हेलो एवरीवन हाय दिस इज मिताली वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी डॉट इन सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज नंबर टेन पॉइंट फोर ठीक है सो लेट्स सी क्या है क्वेश्चन में टू सर्कल्स ऑफ रेडिया फाइव सेंटीमीटर एंड थ्री सेंटीमीटर इंटरसेक्टेड टू पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर इज फोर सेंटीमीटर So, यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वेश्चन बिल्कुल एक प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही हमें एक्सरसाइज में हमने एक और ऐसा क्वेश्चन किया है जिसमें हमें बताया हुआ है कि अगर दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं सो पर्टिकुलरली दे आर इंटरसेक्टिंग एट टू पॉइंट्स तो ठीक है हमारे पास भी दो पॉइंट्स हो गए जहां पर हमारे दोनों सर्कल से सी वन एंड सी टू इंटरसेक्ट करते हैं ठीक है देन दोनों का रेडियस हमें गिवन है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज गिवन टू अस सो फाइंड फाइन लेंथ ऑफ दी कॉमन ड सो so, ये हमें पता है कि देखो कॉमन कॉर्ड क्या होगा कॉड होती है किसी भी सर्कल के लिए उसके सर्कम के दो पॉइंट से जुड़ी हुई अगर हम कोई सेगमेंट बनाते हैं सर्कम के दो हिस्सों से तो वो एक कॉड हो जाती है सो so, यहां पर मैं दोनों सर्कल के लिए एक ऐसी सेगमेंट एक ऐसी कॉड को ड्रॉ कर सकते हैं हम विच इज कॉमन टू बोथ दी सर्कल्स है ना तो so, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर बीच में एक कॉर्ड बना दी नाउ वॉट एल्स इज केवन टू अस We are given कि आपका जो दोनों सर्कल का रेडियस है ये फाइव सेंटीमीटर so हम so हमें गिवेन है सिमिलरली अगर हम ऐसे ही अपने दूसरे सर्कल का सेंटर बनाते हैं देन इट इज ऑल्सो गिवेन कि ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये हमें थ्री सेंटीमीटर गिवन है ठीक है दैट मीनस कि हमें रेडियस दोनों गिवन है देन डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज गिवन गिवन टू बी कितना हमें distance given है इट इज गिवन टू बी फोर सेंटीमीटर तो अगर हम बात करें तो so ये हिस्सा हमें कितना गिवन है फोर गिवन है ठीक है अभी तक हमें क्वेश्चन अपना समझ आ चुका है हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है लेंथ निकालनी है

हमें डिस्टेंस दे रखा है हमें ये भी पता है आप ये सोचो कि इससे पहले हमने सर्कल के बारे में जो भी पढ़ा है अपने चैप्टर में हमने जो भी थ्योरम्स को इसमें समझा है उसको ही हमें इस क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करना है सो क्या हो सकता है मैं आपको कुछ हिंट्स देती हूँ इसमें ठीक है सबसे पहले तो ये हो सकता है कि अगर हम ध्यान से देखें सो अ सेगमेंट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉमन कॉर्ड इस परपेंडिकुलर टू इट राइट सो दैट दीस की जो मेरा ए आर है ये कैसा है ये परपेंडिकुलर बिहेव करे, करेगा किस किसके लिए जाके हमारे कॉड कौ, को मतलब कॉड हमारी हो गई पी क्यू तो पी क्यू के लिए क्या करेगा एक एक पर्पेंडिकुलर की तरह काम करेगा ठीक है सो दिस इज पर्पेंडिकुलर दैट मीन्स कि मेरा जो ये ट्राइंगल है ये कहीं ना कहीं मुझे क्या दिख रहा है पी ए आर जो मेरा ट्राइंगल है दैट इज गोइंग टू बी अ राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है, सिमिलरली आई कैन से दैट कि ये वाला जो हमारा छोटा सा हिस्सा है इसके साथ वाला भी हमें क्या मिलेगा 90 डिग्री का एंगल मिलेगा तो ठीक है राइट एंगल ट्राइंगल चलो ये अभी कुछ हद तक हमारा क्वेश्चन ना इससे सॉल्व हो जाएगा बट देन एक और बात आती है अगर मुझे पूरी लेंथ निकालनी है पी क्यू की सो so, मुझे पता है कि अगर सेंटर से कोई बाइसेक् कोई नॉट द बाइसेट अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड की तरफ जाता है तो वो किसको बाइसेकट करता है वो हमेशा हमारी कॉर्ड को बाइसेकट करता है और ये बिल्कुल हमारे कुछ इनिशियल थ्योरम्स में से ही है जो हमने अपने सर्कल चैप्टर में पढ़ी है ठीक है सो आपने देखा किस तरीके से आपकी जो एप्लीकेशन आती है ना मैं आपको थ्योरम समझाते हुए भी यही बताती हूँ कि देखो कहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन आ जाए कहाँ पे यूज करने को आ जाए आपको कोई आइडिया इसका नहीं लग सकता एप्लीकेशन so yes, कि सबसे पहले तो मेरे को पता है कि अगर सेंटर से कोई सेगमेंट कॉर्ड की तरफ जाता है सो वी हैव इट एज दी पुलर प्लस वो अगर एक पर्पेंडिकुलर है then, then कि मेरा जो पी क्यू है ये आर पॉइंट पे क्या हो रहा है बाइसेकट हो रहा है टू इक्वल पार्ट में दैट मीन्स की पी आर एंड क्यू आर इज गोइंग टू बी इक्वल ये अगर आपको ध्यान हो सो हमने बिल्कुल सेम चीज अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझाई है अब देखो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए ये भी कर सकते हो कि सबसे पहले आप इसको ये दिखाओ कि एयर हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सो इट कुड बी डन डिपेंड करता है एग्जाम में क्वेश्चन कितने मार्क्स में आया है अगर ये एग्जाम में सबसे हाइएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन है सो so वो क्या कर सकते हैं आपको दो पार्ट में इस क्वेश्चन को देंगे फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताया जाएगा या फिर ये बोला जाएगा कि आपको ए आर ये जो हमारा सेगमेंट है जो हमने बाइसे पर्पेंडिकुलर बनाया है फर्स्ट ऑफ ऑल सेगमेंट बोला जाएगा ये आपको इसे परपेंडिकुलर प्रूव करना है साथ ही साथ आपको ये बताना है दैट दिस परपेंडिकुलर इज गोइंग टू बाइसेक्ट योर कॉट सो so, ये आपको फर्स्ट पार्ट में आ सकता है देन कमिंग टू द नेक्स्ट बिल्कुल ऐसे का ऐसे का ये क्वेश्चन आ सकता है क्या कि आपको जो है पूरे कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है सो so, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है सो so आपको सबसे पहले हमने जैसे अपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है कि हम प्रूव करते हैं यूजिंग दी कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स कि किस तरीके से मैं एआर को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो कर सकती हूँ या फिर ए बी को

पी क्यू ए बी इज अ पर्पेंडिकुलर एंड इट इज बायसेक्टर पी क्यू सो यहां पर मैं उसको डायरेक्टली अप्लाई करने वाली हूं ठीक है सो अगर हम इसके सल्यूशन की तरफ प्रोसीड करते हैं अब हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं कि ए बी इज अ पर्पेंडिकुलर बायसेक्टर टू वी नो बाय थ्योरम यू कैन राइट ठीक है आप ऐसा लिख सकते हो दट बाय थ्योरम वी कैन से क्या क्या बोल सकते हैं हम दैट ए बी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू पी क्यू पी क्यू के लिए वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है विच इंप्लाइज ये हमें इससे मिलता क्या है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर ठीक है दैट मीन्स कि जो हमारा पी क्यू है वो इन दोनों से जुड़ मिलके बनता है या फिर बेटर हम इससे ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट क्या होगा वी कैन ऑल्सो राइट कि हमारा जो पी क्यू है इट इज हाफ ऑफ और वी कैन राइट ट्वाइज ऑफ ट्वाइज ऑफ PR. So, मैंने अभी तक क्या किया है मैंने अपने थ्योरम को यूज किया है एंड आई नो दैट दिसर इन सेन राइट दैट ठीक है ये तो हमने कर दिया अब मैं क्या करने वाली हूँ नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद दिस राइट एंगल ट्राइंगल ठीक है सो so, सबसे पहले हम क्या करेंगे कंसीडर ट्राइंगल पी ए आर ठीक है सबसे पहले हम अपना पी ए आर ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे एंड अप्लाइंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है दैट मींस कि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हैं सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सो हियर इज द राइट एंगल दिस इज द बेस पी आर इज द बेस AR is the perpendicular and this AP is the hypotenuse. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे अगर इसमें हम इसका आ, लगा, लगाते हैं ठीक है मुझे चाहिए क्या मुझे पी आर चाहिए तो हम क्या करने वाले हैं पी आर को निकालेंगे सबसे पहले सो so इसे ऐसे लिखते हैं R is to ka minus R ka पूरा जो एरिया है ये एबी की वैल्यू गिवन है सिर्फ ए आर नहीं पता सो वॉट कैन वी डू वी कैन एज्यूम इथ समिंग सो लेट्स अगर मैं क्या काम करती हूँ हमें पूरा पता है कि हमारा जो ये ए बी है ये कितना है फोर सेंटीमीटर है ठीक है सो लेट्स से हम एक काम करते हैं हमने अपना ये जो छोटा सा हिस्सा है ए आर तक इसको मैंने अपना कर लिया, पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी फोर माइनस एक्स तो ये हिस्सा हमारा कितना हो गया एक्स हो गया एंड द रिमेनिंग पार्ट इज फोर माइनस एक्स क्योंकि टोटल हमारा ए बी कितना था फोर uh, था ठीक है So, यहां पर अब जब हम वैल्यूज पुट करेंगे सो so हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट लेट इज यू ए आर इज इक्वल्स टू एक्स एंड हेंस वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ ए आर की जगह पे हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे सो नाउ प्रोसीडिंग पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी ए एपी हमारे पास क्या है फाइव का स्क्वेयर नाउ माइनस ए आर का स्क्वायर ए आर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायेर

घंटी बजनी चाहिए कि एक बार ये वाला ट्राइंगल हमने ले लिया और पी आर की वैल्यू निकाल दी अब सेकेंड टाइम आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्राइंगल और अगेन uh, मैं अपने पी आर की वैल्यू यहां से पुट करूंगी दोनों को हम इक्वेट करेंगे एंड फाइनली वी आर गोइंग टू गेट दी वैल्यू ऑफ पी आर ठीक है सो यहां तक हमें समझ आ गया नाउ प्रोसीडिंग सो बाय इक्वेशन नंबर वन हमने क्या सीखा है अभी तक हमें इक्वेशन नंबर वन से हमारा जो पी आर था वो आ गया था ट्वेंटी है सो अभी तक हम तक हम क्लियर है नाउ कंसीडर ट्राइंगल अब उसके बिल्कुल सामने वाला जो ट्राइंगल है उसको हम कंसीडर करने वाले हैं दैट मीन पी बी आर सो कंसीडर ट्राइंगल पी बी आर एंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम हम लगाने वाले हैं so, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, so, क्या है हमारे पास हाइपर्ट अगेन सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंगे हम अपना बी आर तो so, बी आर स्क्वेर और जो हमारा बेस है दैट इज सर्विंग एज PR का square, क्योंकि दोनों में हमारा बेस कॉमन है सो वी कैन टेक दैट इसीलिए इसी मदद से मैं अपना पी आर भी निकाल पाऊंगी सो so हमें अगेन क्या चाहिए पी आर चाहिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वेयर माइनस बी आर का स्क्वेयर सो पीबी कितना है हमारे पास यहाँ पर हमें गिवन है कि रेडियस थ्री सेंटीमीटर है सो दिस इज गोइंग टू बी थ्री का स्क्वेयर माइनस बी आर अब ये बी आर हमें कितना गिवन है फोर माइनस एक्स हमने इसको मान लिया सो फोर माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे अगर हम इसको थोड़ा सा भी सॉल्व करेंगे सबसे पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के वी आर गोइंग टू सॉल्व सो यहाँ पर कितना आएगा फोर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू ए बी सो टू इन फोर इज एट बी इज एक्सर ठीक है अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे वी आर गोइंग टू गेट नाइन माइनस सिक्सटीन माइनस एक्स का स्क्स एट एक्सो आगे माइनस सिक्सटीन वुड बी माइनस सेवन देन वी हैव माइनस का एक्स का स्क्वायर एंड प्लस एट एक्स सो यहां से मेरा जो पी आर आया है पी आर का स्क्वायर लेट्स राइट इट अगेन अपनेक्वेशन से दोनों अपना पी आर स्क्वेयर निकाल लिया अब वी कैन कंपेयर इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू एंड फाइनली वी आर गोइंग टू गेट देंथ ऑफ पी आर ठीक है तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं इसके साथ सो दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन पी आर स्क्र इज इक्वल टू माइनस सेवन माइनस एक्स स्क्ट एक्स दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन नाउ कम्पेयरिंग या इक्वेटिंग दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों में ही हमने क्या किया है पी आर की वैल्यू निकाल दी है सो कम्पेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू वी हैव ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस सेवन है माइनस सेवन माइनस एक्स स्क्वे प्लस एट एक्स अब अगर आप देखोगे सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैंसिल आउट हो सकता है बिकॉज सेम साइन के साथ है सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है नाउ ट्वेंटी फाइव सेवन को अगर हम इधर एडिशन में ले लेंगे सो वी आर गोइंग टू गेट थर्टी टू इज इक्वल्स टू एट एक्स विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू थर्टी टू बाई एट विच इज इक्वल्स टू फोर सो so अल्टीमेटली मेरे पास जो x आ चुका है वो कितना आ गया है x इज इक्वल्स टू फोर ठीक है अगर हम चाहते हैं तो so हम अपने x की वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर वन में पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन जो आपने निकाला है उसमें पुट कर सकते हैं सो हेंस पी आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स का स्क्वेयर एक्स हमारे पास कितना है फोर का स्क्वायर विच इज गोइंग टू बी सिक्सटीन सो हेंस ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन विच इज इक्वल्स टू नाइन सो यहाँ पर पी का स्क्वायर कितना आ गया हमारा नाइन आ गया एंड हेंस जो पी होगा वो कितना हो जाएगा थ्री सेंटीमीटर सो यहाँ पर मेरे पास पी आ चुका है थ्री सेंटीमीटर नाउ आई नो दैट दिस पी इज ट्वाइस ऑफ पी ये हमें पता ही है इज इज ऑफ ऑफ एंड मतलब टू सेंटीमीटर सो ड जो हमारी कॉमन कॉर्ड है PQ हमारी क्या थी कॉमन कॉर्ड थी सो so इसका जो हमारे पास लेंथ आया है दैट इज गोइंग टू बी सिक्स सेंटीमीटर ठीक है सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग वन प्लस इसकी अपनी एक एप्लीकेशन है सबसे पहले हमने कौन सा थ्योरम इसमें यूज किया है उस थ्योरम को भी हम कैसे डिराइव कर सकते हैं उसके लिए कंप्लीट एक अलग क्वेश्चन है कि कैसे हमें कॉमन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसे शो कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है यहाँ पर क्वेश्चन की हमें वैल्यूज के साथ कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालने को बोला गया है सो ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बिल्कुल बनता है और आने के भी चांसेस काफी रहते हैं ठीक है सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टंडट बेटर कोई भी आपको डाउट हो सो so मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपटिल देन कीप प्लानिंग कीप वॉचिंग बाय